यस सर, थैंक यू। अजय जी, 80s में और भी कई सुपरहिट गाने थे, ये गाना चुनने की जानू मेरी जान चुनने की कोई खास वजह? मेलोडी अच्छी थी, मेलोडी अच्छी थी, और हम लोगों का विद माय प्रोड्यूसर्स हम लोगों का ये लगा कि ये मासेस को पसंद आएगा, और जस्ट बिकॉज ऑफ मेलोडी, दैट्स इट। अच्छा राजकुमार, जिस गाने पे बच्चन साहब और शशि कपूर थिरक चुके हों, वो गाने पे थिरकने का अनुभव कैसा रहा, तो कितना नॉस्टैल्जिक रहे इसके आपके लिए? सर जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने रीफिक्स किया है सॉन्ग को, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। पहली बार थोड़ा डांस करने का मौका मिला, और श्रुति के साथ वो भी इतनी, शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ एन अमेजिंग डांसर, अमेजिंग अमेजिंग एक्टर, तो वी हैड लॉट ऑफ फन। उस वक्त ऑफकोर्स ऐसा ध्यान नहीं आया कि शायद बच्चन साहब ने गाना किया तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक ही बहुत ही नई तरीके से हमने इस सॉन्ग को प्रेजेंट किया है सबके लिए, थोड़ा सा जो तड़का है वो आज का है, तो हमें शूट करने में बहुत ही मज़ा आया सर। नॉर्मली हमने राजकुमार को नाचते गाते नहीं देखा, और यहाँ पे पहली बार इस तरह के गाने के भी देख रहे, तो क्या इस फिल्म से आपकी एक नई शुरुआत हो रही है कहा जाएगा? आई डोंट नो सर, नई शुरुआत होगी कि नहीं देखेंगे वो तो, पर मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ सर, जो स्क्रिप्ट मुझे अच्छी लगती है वो मैं करना चाहता हूँ, तो बहनों की तेरी भी एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जो काफ़ी अलग थी और काफ़ी फनी थी, काफ़ी रिलेटेबल थी। ये इट्स नॉट वन ऑफ दोज कॉमेडी जिसमें हम कहेंगे कि आप अपना दिमाग घर पे रख के आइए, आप अपना दिमाग प्लीज़ लाइए, और बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही रिलेटेबल, और ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आप देख के कहेंगे कि ये तो मैं हूँ, या फिर मैं ऐसे किसी को जानता हूँ। दे आर वेरी रिलेटेबल, वेरी ह्यूमन, और वही आई थिंक वही कॉमेडी होती है, जितनी रियल हो उतना ही मज़ा आता है। अजय जी, लाइफ में आपने कितनी बार कहा है अपने बहन होगी तेरी? काफ़ी बारी सर, ये बचपन से कह रहे हैं सर, बचपन से। एज एनी एक्टर से इसके एक्टिंग में कॉमेडी करना बहुत मुश्किल होता है, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, लाइक आपने भी एक्सपीरियंस किया कि कॉमेडी एक्चुअली मुश्किल होता है? वी हैव सीन यू इन एक्चुअली सीरियस रोल्स मोस्ट। सर मैंने ये सीन भी बहुत ही सीरियस, ये रोल भी बहुत ही सीरियसनेस से किया है, शिद्दत उतनी है जितनी बाकी फिल्म्स में होती है। आई डोंट नो सर, ये बहुत ही टेक्निकल सवाल है, कॉमेडी कैसी होती है, कैसे करते हैं, आई डोंट नो। मैं तो एज एन एक्टर मैं कोशिश करता हूँ कि जिस मोमेंट को हम जी रहे हैं उसको ईमानदारी से जीऊँ, ऑनेस्टी से जीऊँ, अगर उसमें कॉमेडी होनी है तो हो जाती है। लेट मी आंसर दिस। बहुत सालों बाद एक ऐसा एक्टर मुझे दिखा है और जिसके साथ मैंने काम किया है, जिसके साथ ऐसा लगा कि बहुत होनहार है और बहुत कमिटेड है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि राजकुमार राव बगल में बैठे हैं। मेरे बारे में बोल सर, वो तो आपके छोटा मुंह बड़ी बात सर, आपके बारे में, राज के बारे में बोल सकता हूँ। Because it was such a pleasure working with him, because मुझे याद है ऐसे कई सारे scenes हैं जिसमें वो होते भी नहीं थे, वो scene में हैं लेकिन camera के सामने नहीं हैं, फिर भी खड़े होके cues देते थे हमको, which I have not seen, you know, presently I have not seen in any breed of actors that we have, and वो उनकी timing इतनी अच्छी है कि वो comedy कर रहे हैं, serious role कर रहे हैं, वो जो timing, कड़क जो timing है उसके वजह से सब कुछ हो जाता है. And he's brilliant as it is. May I invite these young actors on the stage as well? Aajo yaar, aaiye. Yes. Aaiye, aaiye, please. Aajo idhar. Come, come. Aaja. Aaja. Thoda tight kar le yaar, nazdeek kar le. Ajay ji, mera sawal aapse yahan pe, Manish from 9X. Just wanted to confirm, Shruti nahi aayi aaj koi khas wajah? I think she is out of suspicion. LA mein hai. Okay. Ajay ji, how did you come up with this title? Because this title is very catchy actually. Ye sunte hi matlab lagta hai ki kuch film ho, matlab aisa ek yeah, Ajay ji, ye title ke bare mein puchna chahunga ki pehle se ye dimag mein tha ye title, like, and how did you come up with this title actually? And because it's a very catchy title. एक्चुअली में ये म्यूचुअल डिसीजन है, मैं, अमोल, नितिन, हम लोग टाइटल सोच रहे थे जब ये स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तो म्यूचुअली हम लोगों का आया कि इस फिल्म का नाम होना चाहिए बहन होगी तेरी, तो होल टीम इज इन्वॉल्व्ड इन दिस। अच्छा मेरा सवाल है मनीष फ्रॉम एनएक्स सर, सवाल ये है कि किसी एक्ट्रेस को देख के अभी तक आपको कभी लगा है कि ये मेरी बहन होती तो ऐसा कुछ? एक्ट्रेस को देख के ऐसा लगा हो कि काश ये मेरी बहन होती? सर आपने डायलॉग नहीं सुना, एक लौंडा बता दो हमें दुनिया में, एक लौंडा जिसने की लड़की को देख के बोला हो कि कितनी सही है ना, काश मेरी बहन होती। सही है।
Gulshan, what have you to say about your role, in fact? Like you said that this role was a very challenging role. Film mein jo character maine kiya uska naam hai Dhappi Dada.